आप देख रहे हैं दखल न्यूज। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की पहली बैठक 19 को, राम मंदिर निर्माण की तारीख का हो सकता है ऐलान। दिल्ली चुनाव में गड़बड़ाया कांग्रेस का गणित, प्रियंका वाड्रा ने कहा पहले रिजल्ट देखेंगे। बीजेपी नेता गोपाल भार्गव का आरोप, धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे मुख्यमंत्री कमलनाथ। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी की मांग, विंध्य को मध्य प्रदेश से अलग किया जाए। और भूपेश बघेल ने दिए बच्चों को परीक्षा के टिप्स, बेहतर कार्यों के दम पर शिखर पर पहुंचे। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की पहली बैठक 19 फरवरी को दिल्ली में बुलाई गई है। इस बैठक में नए सदस्यों का चुनाव होगा। सूत्रों का दावा है कि इस बैठक में राम मंदिर निर्माण के लिए तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोकसभा को जानकारी दी कि कैबिनेट ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का प्रस्ताव पास किया है। उन्होंने बताया कि ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण और उससे जुड़े विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को राम मंदिर मसले पर ऐतिहासिक फैसले के दौरान सरकार को ट्रस्ट गठित करने का निर्देश दिया था। ट्रस्ट की पहली और ऐतिहासिक बैठक 19 फरवरी को दिल्ली में होगी और इस बैठक से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का श्री गणेश होगा। ट्रस्ट के लोग 19 को ही मंदिर निर्माण की तारीख की घोषणा कर सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में 15 सदस्य होंगे, उनमें 9 सदस्य और 6 नामित सदस्य होंगे। गठन के बाद ट्रस्ट को केंद्र सरकार की ओर से 1 रुपए का नगद दान भी मिला। यह ट्रस्ट को मिला पहला दान बताया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से यह दान ट्रस्ट को गृह मंत्रालय में अवर सचिव डी मुर्मू ने दिया। अधिकारी ने बताया कि ट्रस्ट अचल संपत्ति सहित बिना किसी शर्त के किसी भी व्यक्ति से किसी भी रूप में दान, अनुदान, अंशदान, योगदान ले सकता है। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए और इससे संबंधित अन्य विषयों के लिए एक बृहद योजना तैयार की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा दिल्ली चुनाव के परिणाम देखने के बाद ही अपनी आगे की रणनीति तय करेंगी। दिल्ली चुनाव को लेकर जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसके हिसाब से इस चुनाव में कांग्रेस डायलिसिस पर है। वाराणसी में प्रियंका ने एग्जिट पोल के सवाल को टालते हुए कहा कि रिजल्ट देखेंगे। एग्जिट पोल बताते हैं दिल्ली कांग्रेस के लिए दूर की कौड़ी है। पोल के मुताबिक पिछले 5 साल में कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया कि दिल्ली की जनता कांग्रेस को वोट दे। वहीं आपके कामों को जनता ने पसंद किया है और जनता उसे दूसरी बार मौका देने जा रही है। वहीं बीजेपी पहले की तुलना में कुछ सुधार करती नजर आ रही है। इस दौरान प्रियंका वाड्रा एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंची। एयरपोर्ट से सीधे वे रविदास जयंती के अवसर पर रविदास जन्म स्थली श्री गोवर्धन के लिए रवाना हो गई। इस दौरान एग्जिट पोल के सवाल को वे टालती नजर आई और कहा रिजल्ट देखेंगे। प्रियंका के करीबी सूत्रों का कहना है कि दिल्ली के परिणाम कांग्रेस की दिशा तय करेंगे और दिल्ली के परिणामों को देखकर प्रियंका नए सिरे से कांग्रेस की रणनीति बनाएगी।
मुख्यमंत्री कमलनाथ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा सहित प्रदेश के आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करके उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं। कमलनाथ कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी भाइयों के मूल धारा में लौटने का मुख्यमंत्री कमलनाथ जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं वह निंदनीय है, यह प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने मुख्यमंत्री कमलनाथ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा सहित प्रदेश के आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करके उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं। वे कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के इशारे पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यदि आरएसएस ने आदिवासियों को उनकी अनादिकाल की मान्यताओं के खिलाफ कोई काम किया तो वे वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य प्रदेश के लिए और क्या होगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पहले भी सनातन धर्म के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका है और कमलनाथ जी अब इस खिलवाड़ को बंद करें। उन्होंने कहा कि आदिवासी आदिकाल से सनातन संस्कृति हिंदू धर्म का अभिन्न अंग रहा है, यह प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। आदिवासी वनवासी समाज के भाइयों को हिंदू धर्म से भिन्न बताना और उसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा यह भी कहा जाना कि आदिवासियों के मूल धारा में लौटने पर कार्रवाई करेंगे, इससे बड़ी दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती। त्रेता युग से लेके द्वापर युग से लेके सारे युगों में हम देखते आए हैं कि हमारे सनातन धर्म को सबसे ज्यादा पल्लवित पोषित किया है, आगे बढ़ाया है तो आदिवासियों ने ही बढ़ाया है। ऐसे आदिवासी समाज के लिए हिंदू धर्म से भिन्न बताना और उसके बाद यह भी कहना कि हम कार्रवाई करेंगे यदि आपने अपने आप के लिए हिंदू बताया तो, इससे बड़े दुर्भाग्य की बात कोई नहीं होगी। मैं कमलनाथ जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि पहले भी हिंदू धर्म के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका है, अब कृपा करके इस खिलवाड़ को बंद करें। और यह जो सोनिया गांधी के इशारे पर हो रहा है और ईसाइयों के इशारे पर यह सब हो रहा है, इसके लिए तत्काल प्रभाव से बंद करें। भार्गव ने कहा कि गरीब वनवासी शबरी के झूठे बेर भगवान राम ने खाए थे। हमें देखने को मिलता है कि हमारे सनातन धर्म को सबसे अधिक पोषित और पल्वित करने का काम वनवासी वर्ग ने किया है। ऐसे आदिवासी वनवासी समाज के भाइयों को हिंदू धर्म से भिन्न बताना दुर्भाग्यपूर्ण है। भार्गव ने कहा धर्मांतरण को लेकर चिंता कर इसे रोकने की आवश्यकता है, जबकि मुख्यमंत्री इसके विपरीत बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ सनातन धर्म की परंपरा का अनुसरण करें और अध्ययन करें, उसके बाद ही कुछ बयान जारी करें। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के इशारे पर कमलनाथ धर्मांतरण को बढ़ावा देने का जो काम कर रहे हैं उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दल बदलू नेता के रूप में पहचान बना चुके मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने विंध्य प्रदेश बनाने की मांग की है। त्रिपाठी का कहना है कि विंध्य क्षेत्र को मध्य प्रदेश में विकास के लिए सम्मिलित किया गया था, लेकिन विंध्य क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। विकास और उन्नति के लिए अलग से विंध्य प्रदेश बनाया जाना चाहिए। इसके लिए भोपाल से लेकर विंध्य क्षेत्र तक आंदोलन किया जाएगा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को हम इसके लिए पत्र भी दे चुके हैं। मेहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने बड़ा ऐलान करते हुए विंध्य प्रदेश बनाने की मांग की है। इसके लिए वे भोपाल से लेकर विंध्य क्षेत्र तक आंदोलन करेंगे। त्रिपाठी का कहना है कि विंध्य क्षेत्र का मध्य प्रदेश में विलय हुआ था, लेकिन विंध्य क्षेत्र का आज तक विकास नहीं हुआ है। हम मुख्यमंत्री से यह मांग करते हैं कि विंध्य क्षेत्र को मध्य प्रदेश से अलग किया जाए और उसे एक अलग प्रदेश घोषित किया जाए। विंध्य क्षेत्र से आने वाले सभी विधायक और सांसद को हम लोगों ने लेटर लिख दिया है ताकि वहां के लोग अब एक जाए और विंध्य क्षेत्र को एक प्रदेश के रूप में विकसित कर पाए। विंध्य क्षेत्र को प्रदेश के रूप में मान्यता के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लेटर देकर निवेदन किया जा चुका है कि विंध्य क्षेत्र में सभी सुविधाएं हैं जिनके आधार पर विंध्य को प्रदेश बनाया जा सकता है। यह विंध्य क्षेत्र की भावनाओं का मामला है। कोई भी जनप्रतिनिधि यदि इस मुद्दे पर एक साथ नहीं होता, जो इस मुद्दे से अपनी दूरी बनाता है, विंध्य क्षेत्र का एक एक मतदाता उस जनप्रतिनिधि का ही बहिष्कार करके उसको बताएगी कि हमारी भावना क्या है, मांग क्या है, तो हर जनप्रतिनिधि को इस मुद्दे से जुड़ना पड़ेगा। बहुत बड़ा जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। यह जन आंदोलन भोपाल से लेकर दिल्ली तक जाएगा। तत्काल में मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख दिए, पूरे विंध्य क्षेत्र के जितने विधायक हैं उनको भी और सांसद को भी हम पत्र लिख रहे हैं कि इस मुद्दे पर आप लोग सभी एक साथ बैठकर मीटिंग करें और मीटिंग में तय करके अगली रणनीति तय। पद्मश्री से सम्मानित लेखक गिरिराज किशोर का 83 वर्ष की आयु में रविवार सुबह उनके घर पर निधन हो गया।
हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार होने के साथ एक कथाकार, नाटककार और आलोचक रहे हैं। गिरिराज किशोर ने कालजयी रचना पहला गिरमिटिया लिखी थी, जो महात्मा गांधी के अफ्रीका प्रवास पर आधारित थी। उनके निधन से साहित्य के क्षेत्र में शोक है। कानपुर के शूटरगंज में रहने वाले गिरिराज किशोर के समसामयिक विषयों पर विचारोत्तेजक निबंध विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होते रहे हैं। साल 1991 में प्रकाशित उनका उपन्यास ढाई घर भी बहुत लोकप्रिय हुआ। उसे 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्यकार गिरिराज किशोर का जन्म 8 जुलाई 1937 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुआ था। वे आईआईटी कानपुर में 1975 से 1983 तक कुलसचिव भी रहे। आईआईटी कानपुर में साल 1983 से 1997 के बीच उन्होंने रचनात्मक लेखन केंद्र की स्थापना की और उसके अध्यक्ष रहे। नौकरी के दौरान भी इस साहित्यकार ने अपने लेखन के कार्य को नहीं छोड़ा और महात्मा गांधी पर रिसर्च जारी रखी। गिरिराज किशोर जी के दादा जमींदार थे, मगर उनको वह पसंद नहीं था और इसीलिए मुजफ्फरनगर के एसडी कॉलेज से स्नातक करने के बाद वह घर से 75 रुपए लेकर इलाहाबाद आ गए। इसके बाद फ्रीलांसिंग के तौर पर पेपर व मैगजीन के लिए लेख लिखने लगे और उससे मिलने वाली राशि से खर्च चलते रहे। समय है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकवाणी कार्यक्रम में छात्रों को परीक्षा की तैयारी को लेकर टिप्स दिए और मनोबल बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय का पूरा सदुपयोग करें, परीक्षा के समय खाना पीना सादा रखें, हल्का व्यायाम करें, मोबाइल टीवी से दूर रहें, जिससे आंखों को आराम मिलेगा और दिमाग भी शांत रहेगा। प्रयास करें कि अधिक अंक मिले तो अच्छा है और ना मिले तो भी कोई बात नहीं है, ऐसा मन में विचार लाएं। बिना उच्चतम अंक पाए बहुत से लोग अपने बेहतर कार्यों के दम पर शिखर पर पहुंच चुके हैं। लोकवाणी कार्यक्रम में मंत्री भूपेश बघेल ने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे परीक्षा की तैयारी में अपने बच्चों के सहयोगी बने, परीक्षा में उच्च अंक लाने का उन पर दबाव न डालें। प्रदेश के विभिन्न शहरों और गांवों के बच्चों ने मुख्यमंत्री से अनेक सवाल पूछे, जिनका मुख्यमंत्री ने सिलसिलेवार जवाब दिया। सीएम भूपेश बघेल ने बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि जो रखते हैं उड़ने का शौक, उन्हें नहीं होता गिरने का खौफ। मुख्यमंत्री ने परीक्षा के समय होने वाले डर और तनाव से निपटने के उपायों के संबंध में कहा कि सबसे पहले तो इस डर के मनोविज्ञान को समझना जरूरी है। जब तक आप डर के बारे में सोच सोच कर डरते रहेंगे, तब तक मन से डर को बाहर निकाल कर फेंकने का प्रयास शुरू ही नहीं कर पाएंगे। बच्चों, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। मैं सभी पालकों से अपील करता हूं, परीक्षा के समय बच्चों को आत्मीयता और सहयोग की अधिक जरूरत होती है। ऐसे वक्त में बच्चों को अनावश्यक तनाव से बचाना जरूरी है। अपना काम बच्चों को बताने के बजाय बच्चों के कार्यों में हाथ बटाने का प्रयास करें, ताकि बच्चों को आपका सहयोग प्रत्यक्ष रूप से दिखाई भी दे। कई बार ऐसा होता है कि आपके मन में तो प्यार, सहानुभूति और सहयोग की भावना सब कुछ है, लेकिन आपका यह भाव बच्चों तक नहीं पहुंच पाता। मैं तो कहूंगा कि बच्चों का कोई असाइनमेंट, प्रैक्टिकल कॉपी, नो ड्यूज सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, कंपास बॉक्स, पेन, जो कपड़े पहनकर परीक्षा देने जाना है, वैसी चीजों के बारे में भी पालकों को सहयोग देना चाहिए। ऐसा छोटा सहयोग भी बच्चों का मनोबल बढ़ाता है। अक्सर ऐसा होता है कि एन वक्त पर बालक उलाहना देने लगते हैं कि फला काम समय पर क्यों नहीं किया, पहले क्यों नहीं सोचा, पहले क्यों नहीं बताया आदि आदि। ऐसी बातों से आपस में ही टकराव होता है और बच्चों का तनाव बढ़ता है। इसलिए मैं पालकों से अपील करता हूं कि परीक्षा के वक्त पुरानी सभी बातें भूलकर सिर्फ यह देखें कि बच्चों को राहत कैसे मिलेगी और मदद करें।
किसी भी तरह से अपनी अपेक्षा न ला दें जो बच्चों को प्रेशर की तरह लगे। यह ध्यान रखें परीक्षा के समय अपने बच्चों की तुलना किसी दूसरे बच्चे से न करें, सिर्फ अपने बच्चे का उत्साह बढ़ाने में ध्यान दें, क्योंकि हर घर परिवार की परिस्थितियों में बच्चों की परवरिश में कुछ न कुछ अंतर रहता है। यदि अपना बच्चा कुछ अलग तरह से चीजों को समझता है तो उसको अपना स्पेस मिलना चाहिए। साथ ही घर का वातावरण ऐसा रहे कि बच्चा शांति से मन को एकाग्र कर सके। सुरेंद्र पैकरा, आपने सही प्रश्न किया है। मैं पालकों से कहूंगा कि बच्चों को सिर्फ अच्छे से पढ़ने और सफल होने के बारे में प्रेरित करें। अव्वल मेरिट जैसे मापदंड थोप देने से निश्चय ही तनाव बढ़ता है। बच्चों पर यह विश्वास करना चाहिए कि वे खुद भी तो अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें अपना काम करने दें और जो नतीजा आए उसे स्वीकार करें। जो भी नसीहत देना है वह आगामी सत्र के शुरू होते समय दें और साल भर यह ध्यान दें कि बच्चा किस प्रकार अच्छा काम कर सकता है। इन परीक्षा और परिणाम के समय कोई दबाव बनाना अच्छा नहीं होता। बघेल ने बच्चों से कहा, इस तरह डर दूर करने के लिए अपने स्वभाव में बदलाव भी जरूरी होता है। तथ्य और तर्क के साथ विचार करने की आदत डालना जरूरी है। परीक्षा के समय बिल्कुल 2020 मैच के प्लेयर की तरह व्यवहार कीजिए। जो समय बीत गया उसके बारे में मत सोचिए। छतरपुर के तात्कालीन SDM अनिल सपकाले को जिला अदालत ने 11 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अदालत में पेशी के दौरान SDM के खिलाफ लोगों ने नारे लगाए। पिछले दिनों SDM अनिल सपकाले ने साजिश के तहत खुद के कार्यालय पर तोड़फोड़ करवाई थी और गोली भी चलवाई थी। छतरपुर में SDM अनिल सपकाले को 5 फरवरी को अपने दफ्तर में फायरिंग और तोड़फोड़ करने और साजिश रचने के आरोप में भारी पुलिस बल के बीच CJM की अदालत में पेश किया गया। पेश करने के दौरान भारी जनसमूह के बीच लोग SDM चोर हैं, SDM मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। CJM की अदालत में सपकाले को पुलिस की मांग पर 11 फरवरी तक रिमांड में भेज दिया गया है, जहां पुलिस आरोपी SDM से इस मामले में और भी पूछताछ करेगी। गौरतलब है कि इस मामले में कृष्णा यूनिवर्सिटी के चेयरमैन पुष्पेंद्र सिंह गौतम, उसका ड्राइवर, BJP नेता जावेद अख्तर के साथ ही 3 अन्य को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। सिवनी में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जंगली जानवर की खाल और अवशेष के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपियों के पास से चीतल और चिंकारा की खाल बरामद हुई है। आरोपियों पर वन्य प्राणी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। सिवनी के लखनादौन थाना क्षेत्र के अंतर्गत भिलमा गांव एवं धुमा थाना क्षेत्र के दरगड़ा गांव में जंगली जानवरों की खाल और अवशेष रखने का मामला सामने आया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ की है, जिसमें ग्राम भिलमा के शेर सिंह पटेल के पास से चिंकारा की खाल और अवशेष मिले हैं, तो वहीं दिल्ली सिंह गोर से चीतल की खाल बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि SP कुमार प्रतीक और SDOP अरविंद श्रीवास्तव के निर्देश में रात के समय दबिश देकर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए उनको न्यायालय में पेश कर दिया है। आरोपियों से बरामद हुए प्राणी अवशेषों को वन विज्ञान प्रयोगशाला भेज दिया गया है। कल दिनांक को थाना प्रभारी लखनादौन को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग चिंकारा एवं चीतल की खाल और उनकी सींग को अवशेषों को बेचने के प्रयास में लखनादौन आए हुए हैं। सूचना की तस्दीक की गई। सूचना की तस्दीक के बाद घेराबंदी करके पकड़ा गया तो 2 व्यक्ति मिले, एक आरोपी मिले, एक दिल्ली सिंह पिता मानक लाल, ये दरगड़ा थाना धुमा का है, और शेर सिंह पिता नेपाल सिंह पटेल, ये भिलमा थाना लखनऊ का। दिल्ली सिंह के पास से एक चीतल की खाल कीमती लगभग 50,000 रुपये की प्राप्त हुई। शेर सिंह के पास से एक चिंकारा की खाल और अवशेष जब्त किए गए। दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 9, 2, 44, 50, 51 वन प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करके इसकी विवेचना की जा रही है। समय है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से,
सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मांडू में एक नाबालिग छात्रा की निर्मम हत्या कर दी गई और उसके शव को सूखी नदी में फेंक दिया गया। हत्या के बाद नाबालिग लड़की के चेहरे को पत्थर से कुचल दिया गया, जिसकी वजह से शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस अब तक आरोपियों का पता नहीं लगा पाई है। धार के मांडू में एक नाबालिग स्कूली छात्रा की हत्या का शव सूखी नदी में फेंक दिया गया। उसके गले पर वार करने के बाद पत्थरों से चेहरा कुचल दिया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल भिजवाया। छात्रा की उम्र 15 से 16 साल के बीच बताई जा रही है। उसने सरकारी स्कूल की ड्रेस और ट्रैक सूट का अपर पहन रखा था। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने रणदा गांव के पास सात घाट में पुलिया के नीचे सूखे स्थान पर पत्थरों से बीच शव देखा। टीआई ने बताया है कि शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। दुष्कर्म को लेकर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। पोस्टमार्टम के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। हालांकि छात्रा के कपड़े व्यवस्थित मिले हैं। बताया जा रहा है कि एक संदिग्ध कार में छात्रा के होने की जानकारी आई है। इससे कार को ट्रेस करने के साथ ही इलाके में सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। एसपी आदित्य प्रताप सिंह का कहना है कि छात्रा की हत्या की गई है, जांच के लिए टीम बनाई गई है। बगड़ी इलाके में केस सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। अभी प्राइमा फेसी उसको देख के मर्डर का केस लग रहा है और इसमें जो भी आगे फैक्ट्स आएंगे पीएम के बाद स्थिति और क्लियर हो पाएगी। और जो भी अभी सूचना मिली है उस पर पुलिस वर्क कर रही है और उस आधार पर आगे कार्रवाई। भोपाल के बीआरटीएस कॉरिडोर में एक सड़क हादसा हुआ, जहां एक तेज रफ्तार कार कॉरिडोर के वेलकम बोर्ड से टकरा कर पलट गई। इस हादसे में कार चालक घायल हो गया है। बैरागढ़ बीआरटीएस कॉरिडोर में तेज रफ्तार कार टकरा गई। बीआरटीएस कॉरिडोर के वेलकम बोर्ड से टक्कर के बाद कार पलट गई। तेज रफ्तार कार सीहोर की तरफ से आ रही थी। पहले भी यहां पर कई बार सड़क हादसे हो चुके हैं। कार में सिर्फ ड्राइवर मौजूद था। घायल ड्राइवर को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सीहोर की तरफ से आने वाले वाहन को डिवाइडर नहीं दिखता है, जिस वजह से यहाँ ऐसे हादसे होते रहते हैं। सिंगरौली में अखिल भारतीय दंगल कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कुश्ती प्रतियोगिता में कई प्रदेशों के पहलवानों ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। सिंगरौली के बैठन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने दो दिवसीय अखिल भारतीय दंगल कुश्ती प्रतियोगिता सीजन 4 का आयोजन किया। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में दर्शक रामलीला मैदान में मौजूद रहे। दंगल प्रतियोगिता का शुभारंभ भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद गोटिया व मेयर प्रेमवती खैरवार ने किया। दंगल प्रतियोगिता में दिल्ली, हरियाणा, सहारनपुर, राजस्थान सहित नेपाल से आए पहलवानों ने शिरकत की। दंगल प्रतियोगिता का सीजन 4 भी नेपाल के देवा थापा पहलवान के नाम रहा। प्रतियोगिता में पहलवानों ने अपने दांव दिखाते हुए कुश्ती का प्रदर्शन किया। वहीं खेल प्रेमियों ने जमकर कुश्ती का लुत्फ उठाया। दंगल प्रतियोगिता में 13 मुकाबले हुए, जहां 5 मुकाबलों में पहलवानों में संघर्ष रहा, तो वहीं 5 मुकाबलों में कोई भी नतीजा नहीं निकला। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में अमन और शांति के लिए अबूझ माड़ पीस हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर दौड़ में प्रथम स्थान पाने वाले आर्मी के जवान को सम्मानित किया गया। दौड़ का मुख्य उद्देश्य नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति बनाए रखना है। नारायणपुर में आयोजित पीस मैराथन दौड़ में 11,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। मैराथन में इंडियन आर्मी के जवान शंकर माथन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं दूसरे स्थान पर केन्या के सीमन और तीसरे स्थान पर राम नारायण ने अपना परचम लहराया। इस मैराथन की दौड़ में बड़ी संख्या में महिला पुरुषों के साथ स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया और 21 किलोमीटर की दौड़ पूरी की। मौसम में आए बदलाव और भारी बारिश के बावजूद प्रतिभागियों को हौसला और जुनून कम नहीं हुआ। विगत 10 साल से अभी आर्मी में काम कर रहा हूं और आर्मी के मैं रहते रहे मैं अपना गेम भी कर रहा हूं। अभी ये मैराथन तो मैं ये मेरा पहली मैराथन नहीं है। मैं अभी तक 60 से ज़्यादा मैराथन दौड़ चुका हूं, पहली बार आया हूं। फिर भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। रूट बहुत क्लियर था, कोई ट्रैफिक जाम नहीं था और रास्ते पर जो स्टूडेंट लोग है वो सारा चेयरअप कर रहा था, इसमें और हौसला मिल रहा था। और नक्सलियों को ये बोलता हूँ कि हम आपस में भाई भाई है, हम आपस में लड़ाई झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये आपने खुद के लिए नुकसान है। मेरे को बहुत अच्छा लगा है। मेरे को स्टार्टिंग लाइन पे थोड़ा उसको देखते ही मेरे को लग रहा था आज तो मैं इसको बीट करूँगा, थोड़ा उसको बॉडी लैंग्वेज को देख के। लेकिन मैं उसको पहले इससे पहले कोई भी रेस में आमने सामने नहीं हुआ हूँ। अभी यहाँ का घड़ी में क्या है मेरे को पता नहीं है। मेरा घड़ी में 1 घंटा 2 मिनट 23 सेकंड का टाइम आया है।
Number two in this marathon, Apuchmat marathon, Tarut was good, organization was good, I like, environment it was good, even Ruth, it was so nice. नक्सल प्रभावित इलाके में हुए इस कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस ने भी सुरक्षा के तगड़े इंतजाम कर रखे थे। आईजी ने कहा कि जिला प्रशासन के प्रयासों से मैराथन दौड़ का आयोजन सफल रहा। इस दौड़ में विदेश के दो प्रतिभागी के साथ ही देश के कोने कोने से भी बड़ी संख्या में प्रतिभागी मौजूद रहे। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस प्रशांति के दौड़ को और भव्य रूप से किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग दौड़ में शामिल हो सके। बस्तर आईजी ने सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए सम्मानित भी किया। नारायणपुर से शुरू होकर बासिंगबार तक कुल 21 किलोमीटर का करीबन 11,000 लोग रजिस्टर किया और हजारों लोग आज दौड़ में पार्टिसिपेट करके जो स्थानीय विधायक उनके अतिरिक्त प्रदेश का जो पीसीसी चीफ श्री मोहन मरकाम और अन्य जनप्रतिनिधिगण और वरिष्ठ नागरिकगण और बच्चे बुजुर्ग महिला सब लोग काफ़ी उत्साह से पार्टिसिपेट किया। ना सिर्फ नारायणपुर जिला से प्रदेश के अन्य जिला से भी और बाकी राज्यों से भी कई लोग आकर इस अबुझमाट पीस मैराथन में शामिल हुआ। ये अबुझमाट के पहचान का बदलने के लिए एक अच्छा प्रयास पिछले साल शुरू हुआ, इसका परिणाम इस बार काफ़ी इसका उत्साह रहा, काफ़ी इसका एनकरेजमेंट रहा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज़, दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।